हम हैरी फिलिंग स्टेशन निसिंग में खड़े हैं और यहाँ इन्होंने जो तेल की बंद किया हड़ताल की आज सुबह 6 बजे थे कल सुबह 6 बजे तक ये तेल किसी में नहीं डालेंगे। इन्होंने पूर्ण रूप से ऐलान किया है कि हड़ताल रहेगी। हाँ जी, ये क्या कारण, आज क्यों हड़ताल की हुई है? पहले तो जी सबको नमस्ते मेरी तरफ से, सत श्री अकाल जी। हड़ताल इस करके है जी, सरकार ने पंप वालियां नू बहुत लॉस कर रहे हैं। ये बिजनेस सीगा एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड बिजनेस सीगा, बट वेयर एज हुण असीं देख सकते हैं कि इस बिजनेस 'च सानू बहुत लॉस हो रहा है। ਇਹਦੀਆਂ जी अज साडे यूनियन वालों असीं अपनी यूनियन के नाल हाँ जी, यूनियन ने हड़ताल की हुई है जी। हड़ताल दी साडियां कुछ 3-4 रीजनस ने जी। उहदियां एक तां रीजन आ है जी जिहड़ा वैट का इशू है जी। वैट आपां कह रहे हैं कि जिहड़ा वैट है वो दूसरे स्टेट्स के बराबर किया जाए, क्योंकि जिहड़े बॉर्डर एरियाज़ ते पंप ने उन्हां नूं बहुत लॉस हो रहा है। दूसरी गल हैगी है जी जिहड़ा अपना बायोडीजल नकली डीजल बहुत विक रहा है जी। वेर देखो सरकार दे हुंदे होए तुहानूं कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिहड़ी सरकार नूं ना पता होए। सरकार नूं सब पता है जी नकली डीजल विक रहा है। वेयर एज मैनूं लगदा कि शायद उन्हां दा विच कुछ कमीशन वाला चक्कर होए, उन्हां नूं इनकम हो रही होए लीडरां नूं, तां करके जी उन्हां ने कीता होवे। डीजल बायोडीजल बहुत ज़्यादा विक रहा है, उहदे करके पेट्रोल पंपां ते कस्टमर घट जांदा है, क्योंकि बल्क च तेल पिछों फैक्ट्रियां च बल्क च जान लग गया और पेट्रोल पंपां तो हुण बल्क च नहीं जा रहा डीजल। मेन मांग ये है कि जो ये नकली डीजल आ रहा है इसके ऊपर पेट्रोल आ रहा है, इसकी बात है मेन। हाँ जी, हाँ जी, ये डीजल आ रहा है जी, नकली डीजल आ रहा है, इसका अभी तक कोई लुब्रिकेंट भी तैयार नहीं है और जो हमारे इंजन्स हैं ये इसको उठा नहीं पाते। ठीक है, अभी लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ बारे, लोग डलवा रहे हैं इसलिए डलवा रहे हैं क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि उनके इंजन्स को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो लोगों के हक की बात हुई ना, अगर इंजन ख़राब होंगे, गाड़ियाँ ख़राब होंगी तो लोगों को इस बात को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, हम भी लोगों में ही आते हैं जी, हम भी लोगों में ही आते हैं, सब हक की बात करते हैं, पर सरकार किसी की भी हक की बात नहीं सुनना चाहती। सरकार का दबदबा इन्ना हो गया जी, इन्ना मतलब ये चाहते हैं कि जो असी कही वो ही होवे। नो वन हैव द राइट टू लिव इन दिस कंट्री। तानाशाही रवैया सरकार ने अपनाया हुआ है, कहने का मतलब ये है तानाशाही। बिल्कुल तानाशाही रवैया तो तुसी देख ही सकते हो, हर कोई सड़कों पर आ गया। किसान वो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 साल हो चल रहा है जी, इनिया मौत हो गई ने। फिर पेट्रोल पंप बिजनेस कमर्शियल वाले सैक्टर, कमर्शियल सैक्टर भी सड़कों पर आ गया, एग्रीकल्चर सैक्टर भी सड़कों पर आ रहा है। आई बिलीव दे थिंक दैट नो इंडियन हैज़ अ राइट टू लिव इन इंडिया। के बगैर कैसे काम चलेगा, बहुत दिक्कत आ रही है। ये 10-12 आदमी खड़े हैं इंतजार में तेल की में, तो तेल नहीं मिल रहा तो बहुत दिक्कत है। आप कृपया करके तेल की सुविधा दें और तेल पुआएँ, अपना काम चलाएं। तेल सस्ता हुआ था, उससे कुछ राहत मिली थी आपको? हाँ, फर्क तो पड़ा ही है थोड़ा घना। ठीक, और कम करो इसको, तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे, पैसा बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी को भी दिक्कत है, अमीर को भी दिक्कत है, तेल के बिना काम नहीं चल रहा। जानकारी नहीं थी तेल की हड़ताल के बारे में? नहीं जी। कहाँ जाना था आपको? हरियाणा जाना था, दवाई लेने। क्या नाम अपना? नरेश जी। एक भाई और तेल डलवाने के लिए पहुँचे, आप देख सकते हैं। हाँ जी, तेल तो आज हड़ताल इन्होंने पर्चा लगाया हुआ है, तो कैसे काम चलेगा तेल के बिना? काम तो चलना ही कोनी का, जिन्हें चल पेट्रोल पंप खुले ना, तेल ना पाए, गड्डियाँ कारा क्यों चलेंगी, ये तो खुलना चाहिए था। अपना शुभ नाम?